हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कैनन की जो फोटोकॉपी मशीन है IR2525 ये कैसे कंप्यूटर से वाईफाई से कनेक्ट करनी है, जिससे कि आप अपने वाई फोन से या हो सके फ़ोन से, तो इसमें नहीं बताऊंगा, इसमें बताऊंगा कि कंप्यूटर से कैसे आप इसको कमांड दे सकते हो एंड साथ ही साथ इसकी स्कैनिंग कैसे कर सकते हो। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस डेली चैनल पे आती रहेगी। जिस भाई ने भी अपना फोटोकॉपी का काम स्टार्ट करना है या करने वाला या कर चुके हैं, अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए तो इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अपने पास ये कैनन की IR2525 है और ये मैंने कनेक्ट तो की हुई है, पर इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर हैं एक तो सारे डिलीट कर दूंगा, अनइंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद एक बार फिर से इसमें इंस्टॉल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको किस तरह से आपको इंस्टॉल करने हैं और कैसे आप यूज़ कर सकते हो। वाईफाई हमारे सामने वो लगा हुआ कुछ इस तरह से, तार एक इसमें यहाँ कनेक्ट है, एक उसमें कनेक्ट है, तो एक बार चल के दिखाता हूँ आपको। तो ये कनेक्ट है एक इसमें लैन केबल, ये इसमें जा रही है और ये हमारे इस वाली मशीन में यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है, तो ये पहले आप ये कनेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या है, मैं ये सारे इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो अनइंस्टॉल कर देता हूँ। कंट्रोल पैनल खोलेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे इंस्टॉल प्रोग्राम कैनन IR2525। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये दो सॉफ्टवेयर हैं, एक तो ये वाला, थोड़ा पीछे करता हूँ, एक ये कलर वाला है एंड एक ये वाला है। इसमें मेरे साथ इस मशीन का, ये मेरे पास दूसरी वाली मशीन भी है कैनन की, कलर वाली है C32, एक इसका भी सॉफ्टवेयर है, वो मैं इसको करूँगा नहीं, तो मैं अभी आपको बस इसका ही दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए सी, ये है IR2526 वाला, तो इसको मैं अनइंस्टॉल नहीं करूँगा, इसको यहाँ से कर देते हैं कैंसिल। नीचे वाला चेक करता हूँ, नीचे वाला चेक करके ये देखिए मिल गया गाइस, तो इसको करेंगे यहाँ पे क्लीन अप। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप देखना, पूरी वीडियो काटना मत, क्योंकि कुछ चीज़ नहीं समझ आएगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी और प्रिंट और स्कैनिंग दोनों नहीं हो पाएगी। तो एक बार इसको होने देता हूँ, तो ये हो चुका है। इसके बाद यहाँ से कर देंगे इसको एग्जिट, उसके बाद ये आता है अपना कलर नेटवर्क, इसको भी हम अनइंस्टॉल कर देंगे। तो ये भी हो रहा है, तो ये भी हो चुका है डन, रिमूव करके यस। तो ये दोनों ही चीज यहां से हमने कर दिया अनइंस्टॉल। उसके बाद यहां से हम क्रोम, गूगल क्रोम खोल लेते हैं। गूगल क्रोम खोल लिया हमने, यहां से अब इसको मैं यहां पे लिखें कैनन IR2525 ड्राइवर, तो ये आ चुके हैं। उसके बाद ये सबसे नीचे, ये नीचे वाला, तो इसमें क्या आपको दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसमें ये वाला, ये देखिए ये वाला करना है आपको, और भी बहुत सारे हैं वो बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये हो चुका है डाउनलोड। एक बार फिर बैक जाएंगे यहाँ से, हम ऊपर से बैक यहाँ पर आ गए। उसके बाद हमें करना है यहाँ पर कलर नेटवर्क, तो कलर नेटवर्क कहाँ पर चला गया, ये रहा ये वाला कलर नेटवर्क, एक ये करना है, इसको कर देंगे डाउनलोड। तो ये भी डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम अपने डाउनलोड में, इसको करेंगे रन। तो सबसे पहले हम ये वाला करना है, ये हो गया इसका एक यहाँ पे वो बन जाएगा फोल्डर, एक ये करना है, इसका भी यहाँ पे एक नीचे फोल्डर बन जाएगा, ये बन गया है। तो सबसे पहले करेंगे इसको, उसके बाद 64 बिट, उसके बाद सेटअप, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे कर लें इंग्लिश, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर यस करना है, फिर कस्टम पे जाना है, स्टैंडर्ड मत करना, कस्टम कर लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नहीं करना, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको देखो IR2525 दिख रहा होगा कहीं, जैसे ये रहा इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद ऐड पोर्ट, एड पोर्ट पर ये जाएंगे स्टैंडर्ड वाला, उसके बाद ओके, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे हम अपनी आईपी एड्रेस देखनी है, आईपी एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, आईपी एड्रेस दिखेगी इधर से, यहाँ पे आ जाओगे एडिशनल फीचर्स, उसके बाद सिस्टम सेटिंग, उसके बाद नेटवर्क सेटिंग,
ठीक है। उसके बाद ये सबसे ऊपर वाला है ये वाला, इस पे ठीक है। उसके बाद IP4 वाली इस पे सेटिंग पे, उसके बाद IP एड्रेस सेटिंग पे, उसके बाद ये IP एड्रेस यहाँ पे दिख गई है। तो आप ये वाली डालनी है पूरी जो भी उसमें दिखेगी। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो इसमें IP एड्रेस डाल देंगे। तो जैसे ही हमने वहाँ पे IP एड्रेस डाला था, नेक्स्ट किया था, तो कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद आपको यहाँ से भी नेक्स्ट करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना, नेक्स्ट कर देना है बस। नेक्स्ट करने के बाद ये है ओके हो जाएगा, और यहाँ से ओके हो जाएगा। मैं IP एड्रेस अपना दिखा नहीं रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ से फिनिश करना है नीचे से, तो यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये ओके करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट करना है, जैसे कि हमने IP कोड यहाँ पर डाला हुआ था इधर, और यहाँ पर आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी अपनी इधर की साइड, और IP एड्रेस लास्ट में दिखेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे इसको भी, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो है इंस्टॉलिंग इंस्टॉल होने लग गया है सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद ये जैसे ही होगा, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से कलर नेटवर्क वाला, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर स्कैन होगा, जिससे कि हम डॉक्यूमेंट स्कैन कर पाएंगे कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों में। तो स्कैनिंग के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर और चाहिए होता है, वो कि हमारे पास है ये नॉट अनदर PDF स्कैनर 2। ये भी हमें क्या है यहाँ पे मिल जाएगा अपना क्रोम पे ही। ये देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो चुका है, और इसको हम कर देंगे एग्जिट कर देंगे इधर से। तो यहाँ से आप प्रिंट देना चाह सकते हो तो दे सकते हो, जैसे यहाँ पे हम खोलेंगे वर्ड फाइल, आपको पता भी चल जाएगा। उसके बाद Ctrl P, कहना है 32-25 रेड दिखा रहा है, डन। स्टार्ट हुई नहीं है अभी, स्टार्ट नहीं हुई है, एक बार इसको बंद करके फिर चलाता हूँ। अभी ऑन हो रही है मशीन। इसमें कमांड में पता चल जाएगा, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। एक बार हम जाएंगे इधर की साइड, और यहाँ पे प्रिंटिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। चलो ये इतने अभी देखते हैं क्या होता है, इतने में कर ले कलर नेटवर्क वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे बैक, उसका कलर नेटवर्क वाला, उसके बाद ड्राइवर 64 बिट। अगर आपका 32 बिट है तो 32 बिट वाला करना, मेरा 64 है तो मैं 64 कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से सेटअप, उसके बाद ओके, उसके बाद यस, फिर नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे हो चुका है अपना। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है, उसके बाद यहाँ पे अपना IP एड्रेस डालना है। अगर आप मैनुअल नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे नीचे वाले पे जाओगे और ऑटोमेटिक स्कैन भी हो जाएगा। यहाँ पे सर्च पे जाओगे तो आप, ये सर्च का ऑप्शन है इधर, तो ये देखिए सर्च हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था मेरे पास दो मशीन है कैनन की, तो देखिए दोनों ही इसमें दिख रहे हैं, एक तो IR3226 और एक 2525। तो 2525 वाले पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो है स्कैनिंग वाला ओके हो गया है। तो एक बार कमांड मैंने कैंसिल कर दिया, एक बार फिर से देखेंगे, नहीं तो अपना क्या है कंप्यूटर लैपटॉप रीस्टार्ट करके चेक करेंगे। तो कमांड आ नहीं रही है, तो एक बार इसको करते हैं हम अपना रीस्टार्ट लैपटॉप। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई मैंने आपको दिखाया था कि भाई ये नॉट अनदर PDF स्कैनर 2, ये स्कैन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है डॉक्यूमेंट के लिए, इसके बिना होगा नहीं। यहाँ पे मैं एक नई विंडो खोल लेता हूँ, यहाँ पर लिखो नॉट अनदर PDF स्कैनर 2 डाउनलोड, ये आ चुका है। उसके बाद ये देखिए वही आइकन सेम आ चुका है जो हमने डाउनलोड किया था, तो यहाँ से आप कर सकते हो डाउनलोड आराम से, नहीं तो ये नीचे वाला भी है एक, यहाँ से आप कर लो तो ये बेटर है। इधर का ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड का, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। स्कैनिंग के लिए मैं एक बार आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाएंगे स्कैन करेंगे,
और एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाके यहाँ पे ऑप्शन आता है 1, 2, 3 का। अगर उससे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, ये ओपन कर लिया, उसके बाद स्कैनिंग पे जाना है, यहाँ पे स्कैनिंग पे इधर की साइड, उसके बाद रिमोट स्कैनिंग, उसके बाद ऑनलाइन, फिर उसके बाद ही ये स्कैन स्टार्ट होएगी। तो उसके अगर आप ये ऑफलाइन रहेगा तो स्कैन होगी नहीं, तो यहाँ पे जाओगे स्कैन करोगे जब भी हो पाएगा। एक डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ स्कैन हो रहा है नहीं हो रहा, जैसे हमारे पास पड़ा है लगा के देखते हैं। मेरा फ़ोन एक तो बहुत गर्म हो चुका है, एक बार चेक करते हैं। ये देखिए हो रहा है, ओह मैंने इस पर ज़्यादा टाइट हाथ रख दिया। नीचे रख के देखते हैं, ये रख दिया यहाँ पे, डन। ये ऊपर भी कर सकते हो अगर आपको नीचे करना है तो, नीचे भी यहाँ पे ये एरर आ चुका है। तो ये हट गया, उसके बाद यहाँ से फिर स्कैनिंग पे जाएंगे, स्कैनिंग के बाद एडवांस, एडवांस के बाद प्लेन, प्लेन के बाद स्कैन। तो यहाँ से हमें पता भी चल जाएगा। यहाँ पे एरर दिखा रहा है फीडर का, तो एक बार इसको हम ओपन कर लेंगे एक बार फिर से। तो क्या इसलिए ही मैं आपको पूरी बोल रहा था कि भाई स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना, क्यों ऐसा इशू आता रहता है। एक ही बार आएगा, जब एक बार अच्छी तरह यूज़ हो जाएगी ना मशीन, आप एक बार सेट हो जाएगी, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए ये मशीन नीचे से अपनी जो स्कैन हो चुकी है, और ये डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना, ये आ गया इधर। तो देख लिया आपने स्कैन इस तरह से होएगी। और एक बार मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ सारा काट के, इसे ही काट देता हूँ, शट डाउन हो चुका है। तो एक बार इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ, कितना गंदा हो रहा है यार लैपटॉप, अभी देखा नहीं, कपड़ा तो मार लिया है, अभी हो रहा है रीस्टार्ट। तो बहुत बार कुछ ना कुछ इशू रह जाता है, तो उस वहाँ पर रीस्टार्ट का आ भी रहा था तो हमने किया नहीं था। मोस्टली क्या है, दिक्कत होती नहीं है, पर इस बार आ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसको रीस्टार्ट करके एक बार फिर कर देंगे, ये अपना जो है सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहीं आप बीच में काट काट के देखते ना, आपको आधी चीज़ तो समझ ही नहीं आती भाई हुआ क्या। तो ये हो चुका है चालू, और साथ साथ हम यहाँ से एक बार इस मशीन को भी बंद कर देते हैं। ये देखिए बंद हो गई है, एक दो सेकंड रखेंगे आप कर देंगे चालू, और यहाँ से फिर से हम करेंगे वर्ड फाइल, खुल चुकी है, और उसके बाद कंट्रोल पी, यहाँ पे अभी देखें क्या होगा। यहाँ देंगे कमांड, देखिए दो कमांड इसमें है, अभी पता चल जाएगा हमारे पास चल रही नहीं चल रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो भाई आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रिंटर पे जाओगे, उसके बाद ये एरर दिख रहा है, इसको हम करेंगे यहाँ से सही, मैनेज, मैनेज पे जाएंगे यहाँ, उसके बाद प्रॉपर्टी प्रेफरेंस इस पे जाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप अपना ये कैश स्कैनिंग का एंड साथ साथ वाईफाई प्रिंटर, वाईफाई से इसको सेट कर सकते हो प्रिंट कमांड देने के लिए और स्कैनिंग के लिए, स्टेप बाय स्टेप पता चल गया आपको। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में आए तो कमेंट में बता देना, उसकी एक अलग से वीडियो फिर भी बना दूंगा। ये जो पुराने पेंडिंग में थे वो अब निकल रहे हैं, ये देखिए यार। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, थैंक यू।